हेलो, किशन बायो फार्मर हेल्पिंग चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे जो ब्लैक डॉग बायो इंसेक्टिसाइड इसके बारे में, कौन कौन सा फसलों में बायो इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकता है और इसका जो फसलों में कौन कौन कीटों को कंट्रोल करते हैं, लगभग हर जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा। ब्लैक डॉग जो बायो इंसेक्टिसाइड है उसका कंपनी कौन सा है, उसका डोज फसल में कितना देना है और उसका जो पहला स्प्रे करने के बाद दूसरा तीसरा कब करना है और उसका जो सही प्राइस है कितना है, लगभग हर जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा। आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ब्लैक डॉग जो इंसेक्टिसाइड है वो साई क्रॉप साइंस प्राइवेट कंपनी का जो एक बायो इंसेक्ट है, इसलिए आप बायो जो इंसेक्टिसाइड है इसका जो ब्लैक डॉग में बायो इंसेक्टिसाइड का साथ स्प्रे करना है, जो एक बायो केयर प्राइवेट क्रिस कंपनी का है। बैगन में जैसे फ्रूट एंड शूट बोरर इंसेक्ट ज़्यादा मिलता है, इसमें आप जो ग्रीस कंपनी का जो बाय ब्लैक डॉग इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है बैगन का फसलों में जो ग्रीस कंपनी का बायो इंसेक्ट है। अभी बात करेंगे ब्लैक डॉग जो बायो इंसेक्टिसाइड है कौन कौन फसल में स्प्रे कर सकते हैं, जैसे टमाटर, मिर्च, आलू, भिंडी, बैगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, प्याज, लहसुन, जो फसलों में आप ब्लैक डॉग इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकता है। अभी बात करेंगे फसलों का कौन कौन कीटों को कंट्रोल करता है ब्लैक डॉग इंसेक्टिसाइड, जैसे फसलों में फ्रूट एंड शूट बोरर इंसेक्ट, बॉलवर्म इंसेक्ट ज़्यादा इफेक्ट करता है फसलों को, इसमें आप जो ब्लैक डॉग इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकता है, जैसे बैगन, मिर्च, टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी में बॉलवर्म का जो एक इंसेक्ट है उसमें ज़्यादा इफेक्ट होता है, इसलिए आप ब्लैक डॉग इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है फसलों में। और जो बैगन में जो फ्रूट एंड शूट बोरर का जो एक इंसेक्ट होता है इसमें आप ब्लैक डॉग जो इंसेक्टिसाइड है स्प्रे कर सकते हैं, लगभग 100% काम होता है जो बैगन में जो फ्रूट एंड शूट बोरर का प्रॉब्लम होता है इंसेक्ट के लिए। इसमें बैगन का शूट बोरर में जो से इंसेक्ट ज़्यादा दिन रहने के बाद जो लार्वा होता है इंसेक्ट का वो क्रॉप को डैमेज कर देता है, इसीलिए आपको ब्लैक डॉग इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने 100% काम हो जाता है फसलों में, बैगन का फसलों में जो लार्वा डैमेज हो जाता है क्रॉप भी अच्छा होता है स्प्रे करने के बाद। आलू, भिंडी, प्याज, लहसुन में ज़्यादातर जो प्लांट में जो बॉलवर्म जो इंसेक्ट है उसमें इफेक्ट होता है, इसलिए आप बायो इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हो जो ब्लैक डॉग का जो इंसेक्ट है। आप पोटेटो में ज़्यादा जो पोटेटो में प्लांट होने के बाद भी एक जो इंसेक्ट होता है बॉलवर्म, और भिंडी में जैसे पौधों में बॉलवर्म में इफेक्ट होता है पौधों का, इसलिए आप स्प्रे कर सकते हैं बायो इंसेक्टिसाइड। जो बायो इंसेक्टिसाइड है ब्लैक डॉग आप धूप में स्प्रे नहीं करना है, इसको स्प्रे करने का सही टाइम है सुबह है और शाम में इसका स्प्रे करने का सही टाइम है। आप धूप में स्प्रे करने के बाद उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है फसलों में। ब्लैक डॉग इंसेक्टिसाइड आप फ्रूट क्रॉप्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जो फ्लोरिकल्चर में भी यूज़ कर सकते हैं एंड बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है फ्रूट क्रॉप्स में भी यूज़ करने के बाद जो बायो इंसेक्टिसाइड है ब्लैक डॉग। पहला स्प्रे करने के बाद जो ब्लैक डॉग इंसेक्टिसाइड दूसरा स्प्रे कब करना है इसके बारे में अभी बात करेंगे। जो पहला स्प्रे करने के बाद लगभग 10 दिन के बाद दूसरा स्प्रे करना है फसलों में, इस टाइम में बहुत अच्छा काम करता है फसलों में। पहला स्प्रे करने के बाद जो दूसरा स्प्रे 10 दिन के बाद करता है, तो अभी जो बायो इंसेक्टिसाइड है ब्लैक डॉग इसका डोज का बारे में बात करेंगे। इसका डोज से ही स्प्रे करना है फसलों में, इसका जो डोज होता है 80 से 100 ml पर एकड़ में स्प्रे करना है और 10 ml से 15 ml पर लीटर 15 लीटर वाटर में स्प्रे करना है, 10 ml और से 15 ml जो 15 लीटर वाटर में स्प्रे करना है। ब्लैक डॉग इंसेक्टिसाइड का पैकेजिंग साइज है 10 ml और 50 ml और 100 ml मार्केट में अवेलेबल मिलता है। उसका जो प्राइस है सही प्राइस 10 ml का प्राइस है 80 rupees और जो 50 ml का प्राइस है लगभग 350 rupees और 100 ml का प्राइस है लगभग 650 rupees में 100 ml जो मार्केट में अवेलेबल मिलता है। ब्लैक डॉग बायो इंसेक्टिसाइड के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना।